नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। श्रीनगर लोकसभा सीट से करीब 70,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले नेता अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि केंद्र में नई सरकार राज्य के साथ न्याय करेगी और कश्मीर मुद्दों को हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगी। नेका मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और श्रीनगर क्षेत्र के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ये तो आतंकवादी हैं, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, उनको मैं कहना है हम उनसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि रोज वर्कर उस पर हमला होता है, तब भी हम अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते। हमारा रास्ता वस्तक वतन के साथ है, वतन को हमारे साथ इंसाफ करना है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को जहाँ मुबारक करता हूँ, आप प्रधानमंत्री से यही कहता हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे इंसाफ कर, यहाँ के लोगों पे इंसाफ कर। यहाँ गरीबी है, परेशानी है, बीमारी है, हमारे इंस्टीट्यूशन की हालत देखिए क्या है। उनके लिए हमें भारी मदद चाहिए आपसे। हमारी एक ही सड़क है, उसका हाल देखिए, कितने दिनों यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, वहाँ बंद हो जाती हैं, कितना नुकसान होता है, मैं कह नहीं सकता। जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा को प्रवेश दिलाने वाली पीडीपी और उसकी नेता पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जनता ने नकार दिया है। रियासत में पुलवामा हमले और बालाकोट ऑपरेशन और 35A पर घमासान का असर घाटी और जम्मू में अलग अलग देखने को दिखा। जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर मोदी सरकार के राष्ट्रवाद मुद्दे से भाजपा फायदे में रही। आतंकी संगठन अलकायदा के कश्मीरी ग्रुप वजा तुल हिंद के सरगना जाकिर राशिद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा का खात्मा होने से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यूं कहा जाए कि कश्मीर में अलकायदा के स्थानीय नेटवर्क को सुरक्षा बलों ने खत्म ही कर दिया है। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में मूसा टॉप पर था। ऑपरेशन ऑल आउट के होते ही इसके खात्मे की तैयारी कर ली गई है, लेकिन इस आतंक के इंजीनियर का द एंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझान में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी का सूपड़ा साफ हो गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग सीट जहां से महबूबा मुफ्ती खुद मैदान में थी, वह भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। वे तीसरे स्थान पर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही ट्वीट कर कहा है कि ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो। आज का दिन बीजेपी और उनके सहयोगियों का है। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस के भी एक अमित शाह जैसा नेता हो। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराट जम्मू, ट्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप, संजी नगर जम्मू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नए न्यायाधीशों को शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पद की शपथ दिलाई। रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल जम्मू के जनरल हॉल में जनरल जोरावर सिंह के जीवन पर आधारित 3D एनिमेटेड फिल्म की स्क्रीनिंग फिल्म का निर्माण जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन अध्यक्ष टीम जोरावर सिंह द्वारा किया गया। जिला युवा सेवाएं और खेल सांबा रानी सुचेत सिंह स्टेडियम सांबा में इंटर जोन स्कूल स्पोर्ट्स का आज आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की अमेठी में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा ने गांधी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बस स्टैंड राजौरी में ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए जागरूकता सह चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी एजाज असद भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अक्सर मूव में रहते हैं, मोबाइल रहते हैं, तो इस किस्म के मौके बड़े कम मिलते हैं जहां उनके जो हेल्थ है उसका ध्यान रखा जाए और इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स जो हमें इकदाम उठाने चाहिए वो उठाए जाएँ। तो इस हवाले से जो आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें काफ़ी तादाद में हमारे ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं और अपना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स उठाए जाएंगे वेलफेयर के लिए हमारे ट्रांसपोर्टर्स की, जिसमें हम ये भी
जम्मू कश्मीर की 6 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को 21,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा विकल्प दबाकर खारिज कर दिया। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल जम्मू से फंसे वाहनों को शुक्रवार को जाने की अनुमति दी गई। भाजपा द्वारा उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा सुचेतगढ़ मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया गया, जिन्होंने कड़ी मेहनत पर लोकसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने के लिए काम किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटा जीत के और कांग्रेस का सफाया करके आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में विराजमान हो रही है। इस करके आई सारे इस खुशी के शरीक होया। मैं कहा पूरे देश की गल करिए, पूरे देश सड़क एक ऐसी शख्सियत ऐसे रहन भाई भारतीय जनता पार्टी मिली है जिहड़े देश। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जिला रामबन अध्यक्ष निसार लोहार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारी जीत हासिल करने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जनता पार्टी कार्यकर्ताओं व नरेंद्र मोदी को बधाई पेश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एवं जिला जॉइंट सेक्रेटरी जिला रामबन फैज अहमद लोन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी हाईकमान नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, दविंदर सिंह राणा, पूर्व विधायक रामबन डॉक्टर चमनलाल भगत को राज्य जम्मू एवं कश्मीर से लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने पर बधाई दी। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने त्राल में मारे गए मोस्ट वांटेड मिलिटेंट जाकिर मूसा के मारे जाने पर जश्न मनाया। श्रीनगर के नेताओं को अरे सुधर जाओ, ऐसा ना हो कुछ और घटनाएं घट जाएं। और जो हिंदुस्तान के साथ रहेगा, जिसने बालाकोट का विरोध करा है, जिसने पाकिस्तान का गुणगान गाया, श्रीनगर वालों तुमको कहना चाहता हूँ, एक सुपड़ा साफ हो गया। एक महिला बड़ी बातें करती थी, उसका सुपड़ा साफ हो गया। और दीदी आए बंगाल की दीदी, चाचा जी वोट देना, मामा जी वोट देना, ताऊ जी वोट देना, वहाँ भी मोदी जी की लहर चल गई। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन जम्मू की जनता के माध्यम से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, 70 साल हम गुलामी की राह पर रहे हैं, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। जम्मू और कश्मीर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।